हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकार एग्ज़ाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी यूएमएस स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है जो कि 18 मार्च 2023 में हुआ था। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी और इसमें 200 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 160 क्वेश्चंस फ्रेंड नर्सिंग से रिलेटेड थे और बाकी क्वेश्चंस रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट पॉइंट है, द ऑटोइम्यून एंटीबॉडी ऑफ रोमेंटिक फैक्टर आर फॉर्मेड अगेंस्ट विच फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी है, IgGs। एंड ये सेकेंड पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन स्कैल्प इंजरी ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम पीरियड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कलेक्शन ऑफ फीटल स्कैल्प ब्लड। एंड इसमें थर्ड पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेज ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। ए पॉइंट है प्रोग्रेशन, बी पॉइंट है प्रमोशन एंड सी पॉइंट है इनिशिएशन एंड डी पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेज ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड, प्रमोशन। एंड फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन पूछा गया था, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज MARS इज कोडेड एज OCTUS एंड GAME इज कोडेड एज ICOG, हाउ विल DRUM बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड है, FTWO। एंड फिफ्थ पॉइंट आपके स्क्रीन पे है, द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन बिटन बाई अ डॉग इन्वॉल्व्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फ्रेंड, क्लीनिंग द वुंड विच इज। एंड सिक्स पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, व्हाइल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल पेशेंट बाय अ मेल डॉक्टर इट इज द ड्यूटी ऑफ द फीमेल नर्स टू। ए इज द राइट आंसर, be with the patient physically and resource her। And seventh point में questions पूछा गया था, which of the following professional organization development the code of ethics for nurse in India। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। एंड एट्थ पॉइंट में क्वेश्चन था, द लेबोरेटरी टेस्ट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अर्थराइटिस इज द टेस्ट। एट नंबर का जो आंसर है फ्रेंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एन एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। एंड नाइन्थ पॉइंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, द बोनी स्वेलिंग ऑफ द डिस्टल इंटरफेलेंजियल फिंगर ज्वाइंट सीन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फ्रेंड, इसे फ्रेंड पूछा गया था, द बोनी स्वेलिंग ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल फिंगर ज्वाइंट सीन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
एंड टेंथ में पूछा गया था फ्रेंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिलोम हार्ट ऑफ गोल्ड। हार्ट ऑफ गोल्ड का फ्रेंड से मीनिंग पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी है राइट आंसर। एंड इसमें 11th पॉइंट में क्वेश्चंस पूछा गया था फ्रेंड, पॉइंट में फ्रेंड जो क्वेश्चंस है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमिनॉन दैट अराइजेस फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर इम्यूनोग्लोबिन। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आंसर फ्रेंड इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव एंड नॉन इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द डायथ्रोडियल जॉइंट। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी है ऑस्टियोपोरोसिस इज द राइट आंसर। एंड 13 पॉइंट इसमें दिया है आप परमानेंट रिटन कॉम्युनिकेशन दैट डॉक्यूमेंट द इंफॉर्मेशन इन रिलेवेंट टू अ क्लाइंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड रिकॉर्ड। एंड 14 पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड। एंड 15 पॉइंट में दिया है फ्रेंड विच इज द मैक्सिमम स्कोर फॉर मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फ्रेंड 30 पॉइंट। एंड 16 पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल कंडीशन दैट एक्टिवेट बिहेवियरल एंड गिव्स इट डायरेक्शन। एग्जांपल डायरेक्ट गोल ओरिएंटेड बिहेवियरल। 16 पॉइंट में फ्रेंड दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल कंडीशन दैट एक्टिवेट बिहेवियरल एंड गिव्स इट डायरेक्शन डायरेक्ट गोल ओरिएंटेड बिहेवियरल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फ्रेंड मोटिवेशन। एंड 17 पॉइंट में फ्रेंड दिया है मॉडल ऑफ सर्कुलम डेवलपमेंट हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फ्रेंड। एंड 18 पॉइंट है अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर विच इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिविस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज। फ्रेंड्स 18 में पूछा गया था कि आ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर विच इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिविस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंड 19 पॉइंट में पूछा गया था फ्रेंड मेट्रोपिल्स विथ एन अपर एंड अ लोअर टोन हेड इन ऑन इट इज नॉर्थन साइड अ बेसिन विथ वर्टिकल वॉल इनलेट एंड आउटलेट चैनल विच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ टाइडल क्लियर द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्ट ऑफ द।
आर्कियोलॉजिकल साइट। फ्रेंड इसे आप पढ़ें और इसका साइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फ्रेंड। इन 20 पॉइंट में पूछा गया था केमिकल मैसेंजर ए सिंथेसाइड एंड सीक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर फ्रेंड हार्मोन्स। एंड 21 पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेकन प्लेस ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर पॉइंट है इन ओसीडी और थॉट एंड डैश और एक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड 23 पॉइंट है मिस्टर एक्स सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन इज करंटली वन फ्लॉक्स थेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट शुड द नर्स नीडेड टू सस्पेक्टेड इन द क्लाइंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फ्रेंड। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉजेज ऑफ कंजनाइटल मालफॉर्मेशन। फोर का जो आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड 25 नंबर ये दिया है फ्रेंड अ प्रेसिडेंट हैज नो वेक्टो पुअर इन रिस्पेक्टेड ऑफ आ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड। एंड 26 पॉइंट है आपके स्क्रीन पर। विच इज द बेस्ट टाइम टू चेंज अ बोवेल डाइवर्जन ऑस्टियोपोरोसिस। एंड 26 पॉइंट का जो आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर व्हेन द बोवेल इज लीस्ट एक्टिव। एंड 27 पॉइंट है इज वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फ्रेंड। कंप्लीट एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। 28 पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज कॉल्ड सॉरी इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फ्रेंड रेगुलरिटी अप्रोच। एंड 29 पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रीडर कंपार्टमेंट। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए है। एंड फ्रेंड 30 पॉइंट है फ्रेंड
Mr. Kasturi Agarwal, an 8-year-old child recovered and called the police, requested a copy of the hospital record. The nurse action will be too. Option B. फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस UPUMS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन सारे इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं और इसमें